जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपनी रोज शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की कक्षा होती है, उसी में आज का ये अगला वीडियो है आपका। ठीक है, निरंतर हम नए नए टॉपिक पर आपको पर्यावरण की जो संपूर्ण तैयारी है वो करवा रहे हैं। कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, चाहे वो आपके महाद्वीप हो, महासागर हो, है ना, चाहे अम्ल हो, क्षार हो, भोपाल गैस त्रासदी हो, और इस वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, भोपाल गैस त्रासदी पढ़ेंगे, खिलाड़ियों के उपनाम या कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी कौन विधि है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको लाइक जरूर करना है, और जो भी हमारे नए साथी हैं वो शेयर भी कर देना है, और आपको इंस्टाग्राम से जुड़ना है। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सएप नंबर है तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, ठीक है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ये यूट्यूब चैनल, इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, चैनल खुलेगा और प्ले लिस्ट में पूरे वीडियो एक साथ मिलेंगे। फेसबुक पर आपको सुमित जैन सर्च करना है, ट्विटर पर आप सुमित जैन, और आपको जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप से, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिप। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम अंटार्कटिका महाद्वीप को पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन था। सक्रिय ज्वालामुखी है तो कौन सा है, माउंट एरबुस, ये सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ का। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति लाइकेन और मॉस है। भारतीय द्वितीय शोध संस्थान है कौन सा, मैत्री, 1989 में स्थापित किया गया। भारतीय तृतीय शोध संस्थान कौन सा है, तो भारती है, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका के बारे में कुछ आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तब आपका सीधा उत्तर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम अफ्रीका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है, तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है, ड्रेकेंसबर्ग। स्वर्ण नगर स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, इसे स्वर्ण नगर कहा जाता है, ठीक है। हीरों का नगर किम्बरले, हीरों का नगर किम्बरले, ये भी कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। बनों का देश कहा जाता है, तो कांगो को बनों का देश कहा जाता है। जनजातियों का महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है महाद्वीपों से संबंधित, तो उनको तो आपको याद रखना ही है। बनों का देश कांगो अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया, द लैंड ऑफ गोल्डेज फिलीज, ये भी ऑस्ट्रेलिया आपका उत्तर होगा, ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, तो कहा जाता है किसे, न्यूजीलैंड को, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो कीवी है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको याद रख लेना है कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है। प्यासी भूमि का देश भी इसे कहा जाता है, लैंड ऑफ कंगारू भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये द्वीपीय महाद्वीप भी है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखी। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में देखो, किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को, ठीक है। विश्व का अन्न भंडार रोटी की डलिया कहा जाता है, तो यूक्रेन को, यूक्रेन में। एक दोस्तों जैसे हमारे यहाँ भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, ऐसे ही यहाँ पर यूरेनियम के रिसाव से एक घटना हुई थी यूक्रेन की, जो भी आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो विश्व का जो अन्न भंडार है रोटी की डलिया वो यूक्रेन को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। यूरोप का गर्म कंबल है, तो गल्फ स्ट्रीम, ये यूरोप का क्या है, गर्म कंबल कहलाता है। इटली की गंगा पो नदी, इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। किसानों का देश समुद्रों की रानी कहा जाता है फ्रांस, फ्रांस को किसानों का देश और समुद्र की रानी कहा जाता है, ठीक है, जो कि कहां पर है, यूरोप महाद्वीप में है, है ना। अब उत्तरी अमेरिका की देखो, तो नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को, है ना। आपसे पूछा जाएगा नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जो नहर है वो पनामा नहर है, ठीक है। रेड इंडियन जनजाति है, तो कौन सी है, उत्तरी अमेरिका, ये रेड इंडियन जनजाति है।
चीनी का कटोरा कहा जाता है तो क्यूबा को, क्यूबा को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है तो शिकागो। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह है तो न्यूयॉर्क है। सबसे बड़ी सोने की खान है तो ओंटेरियो कनाडा, ये सबसे बड़ी सोने की खान है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, अब दक्षिण एशिया महाद्वीप देख लो। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। ये सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी एशिया महाद्वीप में है, माउंट एवरेस्ट है ना, 8848 से 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है तो लाल सागर और स्वेज नहर करती है। एशिया को अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है तो बेरिंग जल संधि करती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो अरब प्रायद्वीप है। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला जिसे नेपाल में जाना जाता है तो ये जाना जाता है सागर माथा के नाम से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तो पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यांगसी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है तो मौसन राम। ठीक है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है तो स्वेज नहर जोड़ती है। मौसन राम कहाँ पर है, मेघालय भारत में है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है तो बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है तो बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो ये एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कि यहाँ पर सागर माता है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, सागर माता की जो ऊंचाई है 8850 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में से सागर माता कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी एशिया में है, पामीर का पठार। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है तो मौसन राम, ये भी एशिया में है ना। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब एक चीज और पढ़ना है हमें, भारत का जल पुरुष। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। सभी को पता है और भी रिवाइज करते जाओ, भारत का वर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को। वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा है ना, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा को कहा जाता है। आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नेरफेल, चेवांग नेरफेल। ठीक है, आइस मैन ऑफ इंडिया और हीरो ऑफ एनवायरमेंट कहा जाता है माइक पांडे को। ठीक हो, माइक पांडे को याद रख लेना आपको, माइक पांडे है ना। अब कुछ एगमार्क है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ मानक हैं तो ब्यूरो मानक ये किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए ब्यूरो मानक किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर ये लगाया जाता है ब्यूरो मार्क। एग मार्क देखो, एग मार्क खाद्य पदार्थ की शुद्धता व गुणवत्ता के लिए एग मार्क जो है लगाया जाता है। सोने की गुणवत्ता के लिए हॉल मार्क और पर्यावरण अनुकूल के लिए इको मार्क। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इको मार्क संबंधित है तो पर्यावरण अनुकूलन के लिए एग मार्क, एग मार्क संबंधित है तो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए, ब्यूरो मानक संबंधित है तो पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों के लिए, वाहनों पर लगाया जाता है सोने की गुणवत्ता, हॉल मार्क संबंधित है तो ये सोने की गुणवत्ता के लिए संबंधित है। ठीक है, ये चीज आपको देखना है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन आएगा एक कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलान बिंदु है तो कौन सा है। जल्दी से आपको बताना होगा कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का जो मिलन बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है, क्या है, कन्याकुमारी। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है तो एंजल जलप्रपात है। सबसे उपजाऊ मैदान है तो खादर। मालाबार तट का मैदान किस राज्य में है तो ये केरल में है, इसको भी याद रखना। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश में प्रारंभ किया तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है तो क्या है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है तो मिजोरम। ठीक है, जल संरक्षण हेतु का प्रयोग किया जाता है तो किसका, वाटर हार्वेस्टिंग का किया जाता है। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार है ये। ठीक है, मिजोरम तो जल संरक्षण हेतु का प्रयोग किया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को कहा जाता है तो ह्यूमलिन। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहां पर होती है तो नॉर्वे में होती है। लेकिन अगर बात की जाए कि सर्वाधिक या सबसे पहले जो अम्ल वर्षा हुई थी तो वो कहां हुई थी, वो हुई थी स्वीडन में। बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। किसानों की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है मृदा अपरदन को।
भूकंप उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? प्लेट विवर्तनिकी। किस महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वो महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पर आपस में काटती हैं? तो वो काटती हैं कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अब हम खगोलीय मिशन के बारे में पढ़ेंगे। खगोलीय जो मिशन है आपकी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक है पर्यावरण में, उसमें कि अपोलो 11 चंद्र अभियान ये संबंधित है, तो ये नासा नासा द्वारा भेजा गया 1969 में। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट भारत ने भेजा 22 अक्टूबर 2008 में, इसका सन आपको याद रख लेना है। चंद्रयान टू भारत ने भेजा, भारत 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019। मंगलयान अभियान भेजा 2013 मंगलयान। ठीक है, सूर्य के अध्ययन हेतु सोलर बी ये कब भेजा गया? 2006 में, इसको याद रखेंगे। प्रचंड 50, चीखता 60, गरजता 40, ये जो पवने हैं कहलाती हैं क्या? पछुआ पवने। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा होती है तो कहां पर होती है? लेह जम्मू कश्मीर में, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और भी कुछ महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हमें खिलाड़ियों के उपनाम देखना है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद ये संबंधित है कैसे? हॉकी के जादूगर से संबंधित है, हॉकी के जादूगर इनका उपनाम है ना। हॉकी के जादूगर अगर बोल दिया जाए तो सबके मन में आ जाता है कि मेजर ध्यानचंद। ठीक है, और पीटी उषा इनका उपनाम है उड़नपरी। क्या है? उड़नपरी है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, इनका उपनाम क्या है? फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह का। हेमा दास का ढींग एक्सप्रेस, हेमा दास का क्या है उपनाम? ढींग एक्सप्रेस। सचिन तेंदुलकर का मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन, बैडमिंटन से संबंधित है। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से बताइए साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है कुश्ती से। अभिनव बिंद्रा संबंधित है निशानेबाजी से। योगेश्वर दत्त संबंधित है कुश्ती से। ठीक है, मैरी कॉम संबंधित है मुक्केबाजी से, और दीपा कमराकर संबंधित हैं जिम्नास्टिक से। तो इनको आपको याद रख लेना है, दीपा कर्माकर हैं तो जिम्नास्टिक। ठीक है, अब जब आप जिम करने जाओ ना तो दीप जला लेना पहले, दीप, तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है ना। तो ऐसे याद भी करना है, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में देखेंगे। एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में होता है, सिरका। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों के डंक और बिच्छू के डंक में। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। या फॉर्मिक अम्ल निम्न में से बताइए किस में पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में, इस प्रकार से। ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है तो नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा नींबू आदि, इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। कह में दही में लैक्टिक अम्ल। ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से ऑक्सेलिक अम्ल का जो है स्रोत है, तो आपको बताना होगा पालक। लैक्टिक अम्ल का स्रोत है दही। एस्कॉर्बिक अम्ल का स्रोत है आंवला। सिट्रस फल जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल के हैं, जैसे संतरा नींबू है ना, ये इसी मतलब इनमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मौलिक अम्ल मैलिक अम्ल, मैलिक ये सेब में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल ये पाया जाता है इमली अंगूर और कच्चे आम आदि में, ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये अम्लों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पर्यावरण में, तो इनसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है और उत्तर बताते रहना है। अब दोस्तों आपको बताना है तापमान। अब देखो स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है? 98 अंश फ़ारेनहाइट। ठीक है, या फिर 37 अंश सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, या फिर 310 केल्विन। अगर आपसे पूछा जाएगा एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का जो तापमान है निम्न में से बताइए कितना होता है, तो आपको ये तीन प्रकार की जो मापक श्रेणी दी है कि 98.6 फ़ारेनहाइट है ना, या फिर 37 अंश सेंटीग्रेड, 310 केल्विन। तो इस प्रकार से आपको ये स्वस्थ मनुष्य की जो तापमान है वो पता होनी चाहिए। डॉक्टर थर्मामीटर से हम ताप माप सकते हैं, तो कितना? 35 अंश सेंटीग्रेड या फिर 42 अंश
सेंटीग्रेड तक, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर से। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर जो होता है वो 10 अंश सेंटीग्रेड से 110 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये कुछ सेंटीग्रेड थे तापमान से संबंधित मापक थे जो आपको पता होनी चाहिए। मछली एवं जलीय जंतु उत्सर्जित करते हैं तो क्या करते हैं, अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं तो वो करते हैं यूरिक अम्ल, ठीक है। पक्षी, छिपकली, सर्प और जीव जंतु, कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं यूरिक अम्ल को। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट जो पदार्थ है वो कौन सा, यूरिया, ठीक है। मछली एवं जलीय जंतु उत्सर्जित करते हैं तो अमोनिया, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब भोपाल गैस त्रासदी के बारे में देखें तो ये दो तीन दिसंबर वाली घटना है, है ना, 1984 की, और स्थान भोपाल में ये हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी इसका नाम है। और इसमें जो रिसाव हुआ था गैस का वो मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस का रिसाव हुआ था और इस गैस के कारण ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और एक घटना हुई थी दोस्तों यूक्रेन, यूक्रेन में हुई थी, ठीक है, ये हुई थी 1986 में। और ये चेर्नोबिल परमाणु आपदा, इसका नाम क्या है, चेर्नोबिल परमाणु आपदा। आपसे पूछा जाएगा कि चेर्नोबिल परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई, तो आपका उत्तर होगा यूक्रेन में, ठीक है। कब घटित हुई, 1986 में, ठीक है। कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई, तो यूरेनियम के रिसाव के कारण हुई, ठीक है। तो ये सभी घटनाएं आपको पता होनी चाहिए, पर्यावरण से संबंधित है। भारत के प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान देख लेते हैं, भारत प्राणी सर्वेक्षण कहां पर है, तो ये कोलकाता में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर है, तो वन्य जीव संस्थान तो सभी को पता है देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान तो सभी को पता है देहरादून, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, लेकिन पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय औषधीय संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, ठीक है, औषधि भी लखनऊ है, वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एक करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ठीक है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, कानपुर में, दलहन अनुसंधान, ठीक है। और केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर वरेली। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में। आपसे सीधे से क्वेश्चन यहां से बनेंगे। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो वाटनी ये कहां पर है, लखनऊ में, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये है गांधीनगर गुजरात। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान शोध संस्थान कहां पर है, नागपुर। वर्षा एवं आद्र पर्णपाती वन संस्थान जोरहट में है, जोरहट। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान ये कहां पर है, अल्मोड़ा, ठीक है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहां पर है, तो भोपाल में है। तो ये जो संस्थान है इनको भी आपको याद रख लेना, ये संस्थान पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना है कुछ पदार्थ और उनके उपनाम, ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कपास व प्लेटिनम, इसे कहा जाता है क्या, सफेद सोना। आपसे पूछा जाएगा सफेद सोना निम्न में से बताइए किसे कहा जाता है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कपास को, ठीक है, याद रख लेना है। अफीम व कोयला को काला सोना, काला सोना किसे कहा जाता है, तो अफीम व कोयला को कहा जाता है काला सोना, है ना। द्रव सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। धातु का राजा क्या है, तो सोना, ये धातु का राजा कहा जाता है इसे। भविष्य की धातु कहलाती है आशा धातु, तो वो कौन सी है, ठीक है, तो भविष्य की धातु एल्यूमिनियम, आशा धातु भी इसे कहा जाता है। लेकिन बात कर रहे हैं रणनीतिक धातु की, तो रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा धातु कहा जाता है, है ना। आपसे पूछा जाएगा आवारा धातु किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा हाइड्रोजन। रणनीतिक धातु कहा जाता है तो टाइटेनियम को। मुद्रा धातु सोना चांदी और तांबा को मुद्रा धातु कहा जाता है। ग्रीन मेटल एल्यूमिनियम को ग्रीन मेटल कहा जाता है, है ना। और भी देखो, हरा सोना कहा जाता है चाय को हरा सोना। आदिवासियों का सोना हरे बांस कहे जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण है, हम विधियां पढ़ेंगे कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्ध किया गया
कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को खेल खेल में पढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्होंने निम्न विधियों को महत्वपूर्ण माना है। तो सबसे पहले हम ह्यूरिस्टिक विधि को पढ़ेंगे। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित, आपसे सीधा सा क्वेश्चन आता है कि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है, तब आपका उत्तर होगा आर्मस्ट्रांग। इस विधि में बालक शिक्षक यंत्रों व पुस्तकों की मदद से स्वयं ज्ञान का अर्जन करता है। काय में? ह्यूरिस्टिक विधि में, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि देख लो, इसमें छोटे छोटे बच्चों को मैडम मॉन्टेसरी द्वारा ये दिया गया है ना, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे खिलौनों द्वारा शिक्षा देते हैं। तो वहीं इसके द्वारा बालक को रंग पहचानना, गिनती करना, अंतर स्पष्ट करना, लिखना है ना, और पढ़ना आदि सीखने में मदद मिलती है मॉन्टेसरी विधि में। किंडरगार्टन विधि, इसमें बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक खेलने एवं घूमने फिरने का अवसर मिलता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, आप कमेंट में लिखेंगे, फटाक से लिखें किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। प्रोजेक्ट विधि, इसमें बहुत से बालक मिलकर सामूहिक कार्य करते हैं, प्रोजेक्ट संबंधी बातों का पता लगाकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। तो आपको फिर बताना है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, ठीक है, सभी लोग बताएंगे है ना, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है। किल, किल से आता है इनका नाम और आपको बताना है, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। डाल्टन प्लान विधि, इसके इसमें छात्रों को काम सौंप दिया जाता है और छात्र प्रयोगशाला के रूप में अपनी अपनी कक्षाओं का ही प्रयोग करते हैं, है ना। डाल्टन विधि के प्रतिपादक भी आपको बताना है क्योंकि ये विधियां पूछी जाती हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत सी विधियां एवं क्रियाएं जिनके द्वारा बच्चों को विद्यालय में हम खेल खेल में बहुत सी बातें व संबंधित हैं। तो आपको डाल्टन विधि के प्रतिपादक बताना है, प्रोजेक्ट विधि के बताना है, किंडरगार्टन विधि के बताना है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक और ह्यूरिस्टिक विधि। ये पांच में से एक ना एक पूछ ली जाती है विधि, इनमें से पूछ ली जाती है कि इनके प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग लाइन से लिखेंगे ये सारी पांचों विधियों का। अब देखते हैं किस किस से बनता है ना। अब देखें दोस्तों कि क्रियात्मक गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए खेल की अहम भूमिका रहती है। ये किसने कहा है? टीपी नन के अनुसार, टीपी नन ने कहा है कि क्रियात्मक गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए खेल की अहम भूमिका रहती है। भाटिया के अनुसार देखो, खेल स्वयं खेल के लिए खेला जाता है, खेल स्वयं खेल के लिए खेला जाता है। किसने कहा? भाटिया। खेल स्वयं स्वैच्छिक के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, तो ये स्टर्न के अनुसार। खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित कर लेता है, तो क्रोवा क्रो के अनुसार। संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित कर लेता है खेल। स्वप्रेरक प्रसन्नदायक तथा क्रियाशील गतिविधि को खेल कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। रोज के अनुसार, खेल एक शारीरिक और मानसिक क्रिया है, ये ड्रेवर ने कहा। ड्रेवर, खेल कूद विकास के सूचक हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उनकी सहायता करते हैं। एक अन्य शिक्षाविद के अनुसार ये भी कहा गया है कि खेल कूद विकास के सूचक हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करते हैं। तो ये परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं दोस्तों, इनको भी हमें पढ़ लेना है। और पर्यावरण में मैं लगातार, आप देख रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं वो क्लियर हों। अभी आपके अंतरिक्ष विज्ञान और भी तीन टॉपिक और आने वाले हैं पर्यावरण में विस्तृत वाले अध्ययन में, तो वो टॉपिक भी हम ले आएंगे। और पर्यावरण में आपके हर एक टॉपिक, चाहे आपका महाद्वीप हो, महासागर हो है ना, अम्ल हो या फिर अंतरिक्ष मिशन हो, सारी की सारी एक एक चीज में आपको करवाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट हैं जो हमेशा मदद करते हैं और पूरी की पूरी लिस्ट भेज देते हैं सर कि ये सारी की सारी चीजें आप बताएं है ना पर्यावरण में, क्योंकि पर्यावरण में आपको सिलेबस बस नहीं देखना है कि हम सिलेबस बस देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में तो ये है ही नहीं है। पर्यावरण की जब भी बात आती है दोस्तों, और पर्यावरण में जब पारिस्थितिकी की बात कर देते हैं या कुछ ऐसी उसमें होता है, तो ये सारा संपूर्ण, चाहे आप समुद्र की बात कर लो, चाहे आप धरती की बात कर लो, चाहे वायुमंडल की बात कर लो, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमें सब कुछ यहाँ पर पढ़ना होता है ना। तो सभी कुछ पढ़ें और एक एक टॉपिक पर मैं सारी की सारी आपको निरंतर और रोज 6:30 बजे आपकी कक्षा प्रेषित कर रहे हैं। इससे पहले आप वीडियो जरूर देखें, ये प्लेलिस्ट जो अपनी स्पेशल वीडियो वाली है, जो इनमें टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं, वो अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। वैसे अलग अलग मॉडल पेपर की अलग बनी है, कुछ स्पेशल वीडियो वन लाइनर प्रश्नों की अलग बनी है, कुछ पहले अपन जो रेगुलर क्लास थी अपनी लाइव क्लास, वो वीडियो की प्लेलिस्ट अलग बनी है, पर्यावरण की, बाल विकास की अलग बनी है। तो आप प्लेलिस्ट को देखें, प्लेलिस्ट को देखने के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस
ये चैनल का नाम है जहां वीडियो आप देख रहे हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल पर क्लिक करें और चैनल खुलेगा, ऊपर आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन। क्या आएगा? प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी, पर्यावरण की, बाल विकास की, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी आदि बहुत सारे सभी वीडियो है ना उपलब्ध हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं हमसे, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, ये नंबर भी है आपके पास, ठीक है, फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन और ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन आपको सर्च करना है, और साथ ही आपको दोस्तों IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए। वीडियो को सभी लोग लाइक किया करें, सभी लोगों को वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, हर टॉपिक को आपको कवर करवाया जा रहा है यहाँ पर, कोई भी टॉपिक छूटे ना, और कहीं पर अगर मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टाग्राम में पूछ लेते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ लेते हैं, मैं जहां से भी होता है संभव उनके उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।